नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में और अभिनंदन है और आप सभी का जो प्यार स्नेह मुझे मिलता रहा है वो आगे भी मिलता रहेगा आशा करता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट आप जरूर करेंगे। तो आज का ब्लॉग जो होने वाला है वो बहुत पहाड़ी जो शादी है, परंपरागत जो शादी हमारे पहाड़ों में होती है ढोल दमाओं के साथ, वो सुंदर सा नज़ारा दिखाने वाला हूँ मैं आज। और जो शादी है वो मंडल में ही है, अनिल की है और बारात जाएगी देहरादून और बहुत ही सुंदर ये ब्लॉग होने वाला है। तो दो पार्टों में मैं इसको बनाऊंगा क्योंकि एक पार्ट तो शायद रास्ते में ही तक बनेगा, मंगल स्नान और जो बारात प्रस्थान करेगी। तो आप सभी इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। तो मिलते हैं ब्लॉग के लास्ट में। हल्दी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, हल्दी का जश्न आप देख रहे होंगे, आप रही देख रहा हूँ कि यहाँ पे हल्दी का, हाँ हल्दी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और सबसे पहले जो प्रथा है हमारी, सबसे पहले पंडित जी लगाते हैं हल्दी, बांधा कहते हैं, आप देख रहे होंगे और बाकी आप देख रहे होंगे बहुत सारी महिलाएं हल्दी लगाने के लिए आ रखी है पूरे गाँव की, आप देख रहे होंगे सारे। आप देख सकते हैं दूल्हे के फ्रेंड पूरा वैक्स वुक्स करके आए, आप देख सकते हैं कट 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 लगा के आए हैं, पूरे हीरो बने हुए हैं। और अगला नंबर है पंकु बेटा का और ये देख सकते हैं आप प्रियांशु विष्णु, देख रहे होंगे हल्दी का कार्यक्रम चल रहा है, काफी लोगों ने लगा दी हल्दी और मंगल स्नान का जो कार्यक्रम है चल रहा है। और दूल्हे का दोस्त कार्यक्रम चलता हुआ और कुल पुरोहित जी बैठे हुए हैं, सहमाल जी, श्री सहमाल जी प्रधानाचार्य संस्कृत महाविद्यालय और दादाजी वृद्धजन। नारायण स्वरूप माना जाता है इसलिए आरती की जाती है, गढ़वाल की परंपरा रही है। आप देख सकते हैं दुल्हन की बुआ और शाम का समय हो चुका है, इस समय और ये शाम के खाने की तैयारी आप देख रहे हैं, इधर लगे हुए हैं
इधर सूजी की तैयारी चल रही है, इधर पनीर की, और चाचा जी पनीर बनाएंगे आज। इधर बन रही है सब्जी, इधर महेंद्र भाई बनाएंगे पनीर। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा पतीला रखा हुआ है, बहुत बड़ा। और ये है सामग्री, और अंकु है, इधर बन रही है रोटी, देख सकते हैं आप लोग, बड़ा सा तवा। आप देख सकते हैं इधर दादी जी भी है, दादी भी रोटी बना रही है। तुम्हारी फोटो भी होनी? हाँ बिल्कुल। आप देख सकते हैं भौजी रोटी बना रही है, देख सकते हैं पूरी कंडी भरी हुई है रोटी। देख सकते हैं इधर चाय पिला रहे हैं मोनू और अंकु, बाकी लोग ना रहे रोटी। आप देख सकते हैं इधर बॉडी जी भी रोटी बना रही है, और इधर पूर्व प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी भी रोटी बना रहे हैं। आओ जी ये बुआई ऋतिक बिष्ट, और ये है लब्बू। आप देख सकते हैं नीचे महाराज जी राजेश राव जी, और देख सकते हैं आप महाराज जी जारी है। रास्ते में आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार। तो आप देख सकते हैं आप जो हमारी संस्कृति है पहाड़ी संस्कृति, और ढोल दमाओं के साथ लोग शुरुआत करते हैं, और ढोल को सरस्वती का महाकाली का प्रतीक माना जाता है। तो देख सकते हैं वाद्य यंत्रों के द्वारा बारात के आगे पहले वाद्य यंत्र चलते हैं, चाहे कोई देव कार्य हो या कोई सभी कार्य हो, तो उसमें पहले ढोल ही हमारी आगे से चलते हैं। बारात जाने के लिए तैयार, और दूल्हे राजा आप देख सकते हैं पीछे, और पीछे सौरभ भाई, और फाइनली बारात चली अब मंडल से देहरादून को। बहुत लंबा सफर है आज, दिन भर का रहेगा, और सारे लोग बैठ चुके हैं,
मार्केट से निकले पंडित जी, मार्केट से निकले। तो अभी पहुंच गए हम लोग कर्णप्रयाग और आप देख सकते हैं कर्णप्रयाग पहुंचते पहुंचते गर्म होना शुरू हो गया हम लोगों को, क्योंकि हम लोग आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने स्वेटर वेटर खूब पहनी है और मंडल का जो मौसम है, मंडल का मौसम तो ठंडा है आप लोगों को पता है। और ये बिजी बॉय है हमारा, ज्यादा हमें दिक्कत इसी की है, कहीं ये भाग ना जाए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय श्रीनगर मलेथा और यहाँ पे थोड़ा खाना पीना खा के हम आगे बढ़ेंगे, टाइम भी 1:30 बजे बज गया है लगभग और इससे आगे आप पहुंच चुके हैं कोडियाला, देख रहे सुंदर चार धाम यात्रा जो सड़क बनी है, बहुत ही सुंदर बनी है, आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छी इसकी लेंथ और बढ़िया सा ये नजारा। तो दो दो गाड़ी आराम से निकल सकती है, कहीं कहीं पे तीन तीन गाड़ी आराम से निकल सकती है। ये है कोडियाला बाजार, तो इधर गंगा जी। हम पहुंच चुके हैं इस समय आपके ब्यासी में और हम लोग थोड़ा रुके हुए हैं, थोड़ा चाय पानी पियेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरे पीछे और इधर है सौरभ सिंह, इसके बहुत खस्ता हाल हो चुके हैं। नहीं नहीं पगड़ी पगड़ी निकली हुई है, बेस्ट कराने वाली बात है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पगड़ी पगड़ी निकली हुई है, थोड़ा धूल धाल से बचा निकले। हमको जो देखेगी वो पहले पगड़ी को देखेगी फिर हमको पूछेगी आप कहाँ से हो। तो आप देख सकते हैं सौरभ का मैसेज सियालियों के लिए और आज के जो सेकंड हीरो हैं वो सौरभ सिंह है। सभी को कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग और इसमें पार्ट टू होने वाला है, सुंदर पार्ट टू जो हमारे शादी का है और शादियों में जो जैसी भी जितनी भी गतिविधियां हैं डांस से लेकर के आपके वेदी तक का सारा होने वाला है पार्ट टू में। और लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट आप जरूर करेंगे, आप मेरे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं और नवीन सेमाल के नाम से है फेसबुक पेज, आप इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं और मेरे आप बहुत सारे सोशल साइट हैं उन पर भी आप देख सकते हैं। आप जुड़े रहेंगे और मिलते हैं पार्ट टू में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।